राम राम जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशिमा शर्मा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज है मंगलवार और अभी है दोपहर का टाइम, और देखिए सारा काम हो चुका है और अक्षत और कार्तिक आ चुके हैं। अक्षत को तो आए हुए बहुत देर हो गई है, कार्तिक भी बस आया है अभी थोड़ी देर पहले ही। तो अब करेंगे लंच, और अभी हो रहा है टाइम 3:30। तो भी अभी बस कार्तिक आया है और लंच बिल्कुल रेडी है। और राशि जो है आज लेट आएगी, क्योंकि उसके कॉलेज में कुछ वर्कशॉप वगैरह है, तो वो आएगी लेट। और ये आ गए हैं अक्षत जी। तो आज बनाया है लंच में, देखिए, शाही पनीर और साथ ही जीरा राइस। ले ले जल्दी भाई, दूसरा वो ले ले, सर्विंग स्पून ये ले ले चमचा, इसमें से या उसमें से ले ले ब्लैक वाला। तो क्योंकि राशि जो है शाही पनीर नहीं खाती है, और वो उसका आज कॉलेज में ही कुछ प्रोग्राम है, वर्कशॉप वगैरह, तो वहीं पर ही उनका लंच भी है साथ में। तो इसलिए कार्तिक की फरमाइश थी कि शाही पनीर और जीरा राइस खाने की। तो बस मैंने सब तैयार कर लिया था ग्रेवी वगैरह बना के, तो कार्तिक बस आता हुआ भी पनीर लाया है। बस अब जो है ये लंच करेंगे, मैं भी करूँगी साथ में। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, धूप इतनी तेज़ है, और ये कपड़े धोए थे संडे को, सूख गए थे, कल ये भी इसके फोल्ड करके रखने हैं, और दोबारा से अब मशीन लगेगी। अभी तो नहीं लगाऊंगी मैं, शाम को लगाऊंगी, क्योंकि मैं लंच करके थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। इससे भारी हो रहा है, सुबह से बहुत नींद आ रही है, लेकिन काम के चक्कर में जो है लेटना तो मिलता ही नहीं है अभी बस। और कुछ कल थी अमावस्या, तो मैंने सिर नहीं धोया, तो भी मेरे को सिर जो है भारी भारी लग रहा है, क्योंकि मंडे को सिर धोने की आदत है, तो धोया नहीं, और गर्मी के मारे ऐसा लग रहा है सिर में जो है गैस सी बन रही है। तो कार्तिक आ जाए तो फिर करते हैं लंच, फिर करेंगे थोड़ा रेस्ट आधा पौना घंटा, और फिर उसके बाद जो है लगाऊंगी मशीन। हाँ भाई, कपड़े से साफ कर ले पहले इसको। कार्तिक आ जा ना, ना नहीं जाएगा क्या? आ जा फिर फटाफट, खाना खा के लेट जाइयो। तो जीरा जीरा राइस के साथ शाही पनीर का कॉम्बिनेशन कुछ खास तो नहीं है, बट कार्तिक को पसंद है, तो बस वही खाएंगे अब। और सुबह का कार्तिक भी सुबह सुबह चला गया था, 7 बजे जो है कार्तिक निकल जाता है, 7:30 बजे अक्षत जाता है। सुबह से उठे हुए थक गई है, अब खाएंगे बच्चे। राम राम जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशिमा शर्मा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज है बुधवार, और भाई सब जी आज स्कूल नहीं गए हैं, बदतमीज़ बच्चे जो स्कूल जाने से मन चुराते हैं, पढ़ाई से मन चुराते हैं, ये ऐसा बच्चा है। तो भी है दोपहर का टाइम, और देखिए मौसम क्या मस्त मौसम हो गया है। तो बारिश शुरू हो चुकी है, अंधेरा हो गया है एकदम। मैं आपको दिखाती हूँ मौसम का हाल, क्या बादल हो रहे हैं। अक्षत देख, अक्षत हाँ बारिश हो गई, उसमें देख, उसमें देख, इसमें तो बढ़िया बढ़िया मौसम है। और अभी हम बना रहे हैं चाय, बारिश स्टार्ट होने वाली है। वैसे तो ऐसे मौसम में चाय पकौड़ों का मज़ा है, पर मैं अगर अक्षत के सामने जरा से एक बार उसे गलती से भी सुन लिया तो बस फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएगा कि पकौड़े बनाओ, मेरा कोई मूड नहीं है पकौड़े बनाने का, क्योंकि मैं और अक्षत ही हैं, तो दो लोगों के लिए क्या ही पकौड़े बनाने।
वैसे भी, वैसे तो राशि भी पकौड़े खाती नहीं है, और कार्तिक भी, कार्तिक खा लेता है इतने, पर इतना इतना ज़्यादा वो पसंद नहीं करता। लेकिन फिर भी दो लोगों के लिए पकोड़े बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। और ये देख, आज मैंने सुबह ही जो है दाल धो के और सोख करके रख दी थी, और सोचा था कि अक्षत की क्लास है तो उसके जाने से पहले इसको पीस के और उसके लिए बना दूंगी मूंग की दाल के चीले। बट आज सुबह ही लाइट चली गई, तो लाइट आई है 2 घंटे में, तो इस चक्कर में मैं बना नहीं पाई। तो बस अभी ये क्लास से आया है, तो अभी बना रही हूँ। अब इसके लिए बनाएंगे टोस्ट। तो आलू मैंने उबाल के रखे हुए हैं मैश करके, काफ़ी टाइम के बाद जो है मैंने आलू उबाले थे, मैश करके रखे हैं। कब, एक आई थिंक महीना भर हो गया था तो आलू उबाले थे इसलिए। तो अब जो है बनाऊंगी टोस्ट और ये खाएगा। मैं भी देखती हूँ आलू के चीले जो है, शाम को देखती हूँ मूंगलेट वगैरह बनाऊंगी, और बाकी देखते हैं। राशि लेट आएगी, आज भी उसकी वर्कशॉप है, और कार्तिक से अभी मैंने पूछा है मैसेज करके, बट कोई अभी उसका जवाब नहीं आया। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया है, तो बने रहिए हमारे साथ।